चंपारण में बैठ के लोग ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को मांस खाने से फुर्सत नहीं है। ये समझना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आपका भाई कश्मीर में मर रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जाके आवाज़ उठाएं। जिस संदेश को आज से 20-30 साल पहले दबा गया था इतिहास के पन्नों में, जिसमें ना आपने आवाज़ उठाई ना हमने आवाज़ उठाई, वो अत्याचार भारत के उस हिस्से में होता रहा जो हमारा अभिन्न अंग है। इसलिए उसके विषय में आवाज़ उठाना, लोगों को अवगत कराना और राष्ट्रवाद की बात करना, कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मांगना और कश्मीरी पंडितों के हक की लड़ाई लड़ना हमारा दायित्व तो बनता है। भारत माता की। इससे आम जनता के मन में एक भावना जागृत होगी कि अगर किसी मानवता पर अधिकार के लिए, उसका हनन करने के लिए उस पर अन्याय किया जाता है, अनुचित कार्य किया जाता है, तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। अभी हमने के बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के माधव सिनेमा मोतिहारी में जो फिल्म लगल बा द कश्मीर फाइल, जो हिंदू के साथ में कौना तरह जो उनकी बा दुर्व्यवहार कैल बा ओकरा के जो उनकी बा अवगत करावल बा फिल्म में, और यही क्षेत्र के चंपारण के लाल ब्राइबो फाउंडेशन के CMD श्री राकेश पांडे जी के द्वारा दो जो उनकी बा हॉल, अभी जहाँ तक सूचना बा हमारा बुक बटे, जैसे माधव कल्याणपुर के कौन हॉल बटे जहाँ पर बुकिंग भल बटे, और तमाम यहाँ जनता यहाँ युवा लोग जौन बा यहाँ फिल्म के आनंद उठावे खातिर देखे खातिर यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचल बा। पीछे जो हुआ है हिंदुओं के साथ में वो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी दिन पहले ही इंडस्ट्रीज में आ जाना चाहिए, लेकिन आज क्यों आया इसमें? नहीं देखिए, इसमें हाई कोर्ट में बहुत लोगों ने केस किया था, जब कोर्ट ने इसको क्लियर किया तो ये मूवी रिलीज हुई। हर चीज़ का एक प्रक्रिया होती है, एक प्रावधान होता है कानून का, उसी अंतर्गत हुआ है। आप भी पहली बार देख रहे हैं इसको कि अब देखेंगे? नहीं, हम ये तीसरी बार देख रहे हैं 3 दिनों में। अब मैं इतने सारे दर्शक हैं, उनका मजा खराब नहीं करना चाहता, उनका ज्ञान खराब नहीं करना चाहता, उनको अंदर जाने दीजिए और देखने दीजिए हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। ये आपके चाचा, आपके पिताजी, हमारे चाचा, हमारे पिताजी, सबको पता है, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। चंपारण में बैठ के लोग ब्राह्मणत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को मांस खाने से फुर्सत नहीं है। ये समझना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आपका भाई कश्मीर में मर रहा है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप जाके आवाज़ उठाएं और कश्मीर में जो अत्याचार, जो जुल्म हुआ, उसके खिलाफ लोगों को अवगत कराएं। ठीक है? देखिए, मैं चंपारण से हूँ और ये कश्मीर की घटना पे एक सच्ची कहानी है। जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में 1990 में, उस पर एक घटना पे एक सच्ची कहानी है, और इसको कहीं ना कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या छुपाया गया। तो ये सब हमारा दायित्व है कि हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो सनातन पे अत्याचार हुआ है, जो ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुआ है, या कश्मीर में रहने वाले जो बाकी लोगों पे अत्याचार हुआ है, उससे भारत के तमाम हिस्से में इस बात की जानकारी फैलाई जाए, भारत के तमाम युवाओं को इससे अवगत कराया जाए और बताया जाए कि आपको कैसे अपने इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है और भविष्य को सुनहरा करने की ज़रूरत है। कैसा लग रहा है फिल्म को देख करके? हज़ारों की संख्या में जो भीड़ लगी हुई है, बताएंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे राकेश पांडे जी के माध्यम से जो यह आयोजन किया गया है कि निःशुल्क सभी को दिखाया जा रहा है, इससे आम जनता के मन में एक भावना जागृत होगी कि अगर किसी मानवता पर अधिकार के लिए, उसका हनन करने के लिए उस पर अन्याय किया जाता है, अनुचित कार्य किया जाता है, तो उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, जिससे कि मानवता इस धरती पर रहेगी और सभी मनुष्य यहाँ पर एक समान भाव से, प्रेम भाव से उतर के रहेंगे। तो यह मानवता को दिखाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए यह फिल्म एक मील का पत्थर साबित होगी।